नमस्कार। बीएमसी ने मुंबई में कुपोषण के मामलों का पता लगाने और उनका इलाज करने के लिए घर घर अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण यह पहल रुक गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप आंगनबाड़ी बंद हो गई थी। आंगनबाड़ी भारत में एक प्रकार का ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र है, जिसे सरकार द्वारा 1975 में शुरू किया गया था। दोस्तों, डॉक्टरों ने कहा कि कुपोषित या कुपोषित बच्चों पर नजर रखना जरूरी है। कम प्रतिरक्षा और कई अन्य अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वे कोरोना वायरस रोग के अनुबंध के लिए अधिक संवेदनशील है। वहीं दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक आंगनबाड़ियों में 17% बच्चों का वजन कम था। इनमें से 2713 गंभीर रूप से कम वजन के थे। वहीं दोस्तों, इस बीच बीएमसी ने मुंबई में टीबी के प्रसार को रोकने के लिए अपने घर घर जाकर अभियान भी अब शुरू कर दिया है। वहीं मुंबई लोकल ट्रेन की बात करें तो दोस्तों, मुंबई लोकल ट्रेन में सिंगल डोज वाले को न तो कोई टिकट दिया जा रहा है, न ही किसी तरीके का पास दिया जा रहा है। मुंबई लोकल ट्रेन में सिर्फ 2 डोज वाले को ही अनुमति दी जा रही है, उनको ही सिंगल टिकट की सुविधा दी जा रही है, उनको ही पास मिल रहा है। आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र मुंबई की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।